देश में निम्न गुणवत्ता वाली चाय के आयात और उसके वितरण को लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है कि भारत में निम्न गुणवत्ता वाली चाय का आयात और वितरण ना किया जाए। इस संबंध में गुरुवार को एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के निर्देशों के अनुसार दार्जिलिंग जीआई की सुरक्षा के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश 2003 नियंत्रण आदेश 2005 के तहत 11 नवंबर को चाय बोर्ड द्वारा 4 परिपत्र जारी किए गए हैं। सभी आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आयातित चाय की उत्पत्ति का उल्लेख उनके सभी बिक्री चालानों में किया गया है और आयातित चाय को भारतीय मूल की चाय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। चाय के सभी वितरकों को घरेलू उपभोग के लिए भारतीय मूल की चाय के साथ सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली चाय को नहीं मिलाने का निर्देश दिया गया है। दार्जिलिंग चाय के विनिर्माताओं को जीआई क्षेत्र के बाहर से हरित पत्ते की खरीद नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। चाय खरीदारों को आयातित चाय को दार्जिलिंग, कांगड़ा, असम, नीलगिरी के चायों के साथ मिक्स नहीं करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चाय बोर्ड ने विशेष रूप से नेपाल चाय के वितरकों, आयातकों पर औचक जांच शुरू कर दी है। इस कड़ी में 11 नवंबर को सिलीगुड़ी में स्थित 3 इकाइयों की औचक जांच की गई और परीक्षण के लिए नमूने ले लिए गए। उल्लेखनीय है कि चाय के आयात में उछाल को रेखांकित करने वाली कुछ रिपोर्ट आई है जिनका घरेलू चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये सच नहीं है। कुल चाय उत्पादन की तुलना में आयात का प्रतिशत सामान्यतः 1-2% की रेंज में है, जिसमें एक बड़ी मात्रा में फिर से निर्यात के लिए होता है और उनका घरेलू उपभोग नहीं किया जाता। भारत में चाय के आयात का मुख्य उद्देश्य मूल्यवर्धन तथा मिश्रण किए जाने के बाद फिर से उनका निर्यात करना होता है। भारत के चाय के उत्पादन की तुलना में देश में चाय का आयात न्यूनतम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।